मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र जैन प्रशासन। सुनने में थोड़ा कठिन तो लगता होगा क्योंकि परिचय नहीं है ना, आत्मा जानने में आती नहीं है, इसलिए आत्मा के जानने का मार्ग, सुखी होने का मार्ग भी कभी जानने में आया नहीं जीव को। प्रत्यक्ष में खाओ पियो कमाओ, दुनिया देखो, शरीर देखो, ऐश करो, ये दिखता भी है और इसके उपाय प्रचलित भी बहुत हैं। गली गली, सड़क पर, अखबार में, टेलीविजन में, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल, सभी लौकिक सुख की बातें भी करते हैं। वो बात तो समझ में जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है। लेकिन आत्मा जानने में आता नहीं है आसानी से, इसीलिए आत्मा का मार्ग भी समझ में नहीं आता। और फिर आत्मा के मार्ग में चलने वाले साधु धर्मात्मा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उनकी पहचान होना भी दुर्लभ है। गुरुदेव श्री को ऐसा प्रश्न पूछा कि हम सच्चे निमित्त को कैसे पहचाने, हमें कैसे मालूम पड़े कि सामने वाला सच्चा अच्छा है, गुरु की पहचान कैसे करें। तो बोले आत्मार्थी के चक्षु गुरु को पहचान लेते हैं। आत्मार्थी के पुद्गल की आंख नहीं, जड़ आंख नहीं, आत्मार्थी का ज्ञान चक्षु वो पहचान जाता है। बालक हो गए ना, 6 महीने का बालक किसी रिश्तेदार की गोद में जावे तो रोवे, और माता की गोद में आते से ही चुप। तुम्हें बच्चे से पूछो जरा कि तुम्हें ट्रेनिंग कहां से लेकर आए हो, क्यों बच्चों कैसे मालूम कि अब मैं अपनी मां की गोद में हूं, कैसे मालूम पड़ गया। ये बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे बालक अपनी माता की गोद पहचानता है। 2.5-3 साल का बालक हो, केजी वन में पढ़ने जावे, LKG में पढ़ने जावे, तो घर आके अपने आप बोलता है कि वो मेरी इंग्लिश वाली मिस बहुत अच्छी है, या वो मेरी पेंटिंग वाली मिस बहुत अच्छी है। वो कैसे पहचान गया, क्या उसको कैसे मालूम पड़ गया कि मेरा गुरु इतना जोरदार है। ऐसे ही आत्मार्थी को आत्मार्थी की पहचान हो जाती है। करने के लिए कहीं सीखने जाना नहीं पड़ता। लोग बहुत पूछते हैं, हम सच्चे गुरु की तपास कैसे करें, सच्चा गुरु किसको माने। इसमें सब आ गई बात, सभी आ गई। आप आई देखो, अभी इसका छंद 5 नंबर का जो चल रहा था उसमें गंभीर बात करना चाहेंगे थोड़ी सी। पढ़ते छंद 5वें नंबर का। संयम न है तू थी योग प्रवर्तन स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा दीन ते पण चण चण घटती जाति स्थिति मां अंते आए निज स्वर। ओहो, आत्म साधक के जीवन में अशुभ की तो बात ही नहीं है, अशुभ की तो सत्ता ही नहीं है, पाप की तो सत्ता ही नहीं है, असंयम की तो बात ही नहीं है। असंयम ही होए तो साधु नहीं, साधु होए तो असंयम ही नहीं। समझ में आया? अभी बहुत लोगों को शंका हो जाती है
कि हम इनको साधु माने के नहीं माने। अरे रे, बाजार का खान पान चलता होवे तो साधु कैसे होवे? बाजार का खान पान चलता होवे, रात्रि भोजन और दिन के भोजन की खबर ना पड़ती हो, अनछने पानी की खबर ना पड़ती हो, वो साधु कैसे होवे? यहां तो कह रहे हैं असंयम की बातें ही नहीं है, संयम किसको कहना? सम्यक प्रकार से यमन, सम्यक प्रकार से यमन माने मग्नता, लीनता, एक आत्मा रमणता, केवल आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा की कथनी मात्र नहीं, आत्मा का क्षोभसम ज्ञान मात्र नहीं, संयम किसको कहना? सम्यक प्रकार से आत्मस्वरूप में रमना, जो परिणति विषय कषाय में रमती हो वो संयम नहीं है। हा हा हा, एक एक ही एग्जाम्पल दे दे तो आपको समझ में पड़ जाएगी, है ना? सब में आप लगा लेना, होमवर्क आप करना, मैं एक में लगाता हूं केवल। मैं जयपुर गया था एक बार शिविर में, तो वहां मेरा प्रवचन था। हालांकि ये बात बाद में राजकोट में भी कही, इधर भी पिछले साल कही है, लेकिन फिर याद दिला देते हैं आपको कि अनछना पानी पीने का भाव आवे तो सम्यक दर्शन ना हुए। ऐसा मैंने बोला, सम्यक दर्शन नहीं हुए तो मोक्षु खड़े हो गए, खड़े हो गए, ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो अत्यंत भाव है, पानी तो आत्मा से अत्यंत न्यारा है। नहीं, आप ऐसा कैसे कहते हो कि अनछना पानी पीवे तो वो साधु नहीं हो सकता, अनछना पानी पीवे वो संयम ही नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, कैसे बोलते हो आप? ध्यान से सुनना, क्योंकि तर्क है ना अपने पास, पशु भी तो अनछना पानी पी लेते हैं, वे तो संयम ही हो जाते हैं। नहीं, सामने है अपने पास, पशु पक्षी आदि कहां पानी छानते हैं? नहीं तो फिर वो तो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अरे भाई, उसको तो उसकी खबर नहीं है, लेकिन तुम्हें खबर है कि एक पानी की बूंद में अनंत भावी सिद्ध विराजते हैं। गुरुदेव श्री ने क्या कहा? अनंत भावी सिद्ध विराजते हैं, यानी पूर्व भाव की अनंत माता पिता विराजते हैं, तेरे अनंत पुत्र विराजते हैं, अनंत पति विराजते हैं भूतकाल के हैं। ऐसा जानने के बाद भी तुम्हें पानी के प्रति करुणा नहीं आती, अनंत सिद्ध जैसे जीवों के प्रति करुणा नहीं आती, और तुम प्रमाद करके, ध्यान से सुनना, प्रमाद करके चाहे जब चाहे जहां चाहे जैसे खा ले वो पी ले वो, तो सम्यक दर्शन की लायकात ना आवे। श्रीमद जी ने पात्रता की बहुत चर्चा की है, पात्रता की बहुत चर्चा की है। जैसे सिंघनी का दूध, गुरुदेव श्री बोलते थे हैं, जैसे सिंघनी का दूध सोने का पात्र में ठहरे, चांदी में भी नहीं ठहरे, स्टील में तो बात ही कहां गई, चांदी के बर्तन में नहीं ठहरे, सोना का पात्र में ठहरे, ऐसे दिगंबर बीतरागी संतों का अमृत रत्नत्रय आनंद स्वानुभव कोई बहुत जुदी जात की पात्रता चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं जल्दी नहीं, अब मैं क्या, मेरे ख्याल से बहुत अभ्यासी लोग बैठे हैं, उनको सीधे सीधे शॉर्ट में, एक पारिणामिक भाव के रस का नाम सम्यक दर्शन है ना? अध्यात्म प्रेमियों के लिए, मोक्षियों के लिए तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। पारिणामिक भाव का लक्ष्य, पारिणामिक भाव का रस, पारिणामिक भाव की रुचि, पारिणामिक भाव में मग्नता का नाम सम्यक दर्शन, और पानी पीने का भाव प्रमाद का भाव औदयिक भाव, पानी पीने का भाव औदयिक भाव, प्रमाद का भाव लापरवाही का भाव। अरे तुझे प्रमाद का इतना रस है, इतना रस है ना, सावचेती नहीं है ना, वहां सावधानी नहीं है ना, इसीलिए औदयिक भाव के रस में डूबा हुआ पुरुष को सम्यक दर्शन कैसे हुए? देखो, जिनको खबर नहीं है ना, तो उनको औदयिक भाव में ये बात भी नहीं मालूम कि इनमें अनंत जीव है। तुम्हें तो खबर है ना, जिसको खबर नहीं होवे वो उसको को क्या कहवे, उसको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिसे जानकारी है वो तो अब तभी पी सकता है अनछना पानी जब उसको, अब होने तो दो, सब चलता है। देखो, जैनी होए, अभ्यासी होए और अनछना पानी पीवे, अभी अपन तीर्थ यात्रा में जाओ कहीं,
और रास्ते में उतर के कोई पानी पीवे मोक्ष जुदा, अपन बोले अरे तुम रास्ते में पानी पीते हो ढाबा का, सब चाले छे, बद्धू चाले छे। क्यों चाले छे? आ तो पंचम काल छे ने। अच्छा चलो, श्रीमत जी ने या श्री गुरुदेव श्री ने या कोई आचार्य कुनकुन देव ने या उपलब्ध जिनागम में कहीं ये बात लिखी है? ये बात लिखी है? सब चलता है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से उसके प्रति ग्रद्धता है, ग्रद्धता है। देखो, एक मारुति खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, कार खरीदनी हो, तो उसके लिए बहुत अर्पणता देनी पड़ती है, खर्चे कम करने पड़ते हैं, पैसा जोड़ना पड़ता है, कपड़े कम करने पड़ते हैं, खान पान के फालतू खर्च छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके गाड़ी आती है घर में। नहीं, कोई भी काम करना हो, हवाई जहाज खरीदना हो तो क्या करो बोलो? हैं, अमेरिका वगैरह में तो घर घर में करते ना लोग। अभी तुमको हवाई जहाज खरीदना पड़े तो कितना पैसा बचाना पड़ेगा, इच्छाओं को कितना जीतना पड़ेगा। एक हवाई जहाज खरीदना हो तो इच्छाओं को जीतना पड़ेगा, फिजूल खर्ची नहीं चलेगी, एक्सपेंडिचर फालतू नहीं चलेगा। ये दृष्टांत आत्मा का अनुभव करने के लिए उपयोग का दुरुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग, खर्चा वे फिजूल में लगाना, ये नहीं रोकना पड़ेगा। हा हा, संयम की बात चलती थी, सम्यक प्रकार से आत्मा में लगना, माने पारिणामिक भाव की रुचि लगना, ध्रुव भाव की रुचि लगना, भगवान तत्व की रुचि लगना। बोलो हाँ, एक बार विचार तो करो, मैं भगवान हूं। अब जरा सड़क पे खा के देखना, जरा चाट पकौड़ी खा के देखना है। ज्यादा नहीं कहते हो, त्रिलोक पूज्य हूं मैं, त्रिलोक पूज्य हूं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं मैं। ये तो कभी अपनी खबर नहीं थी, आपको भूल गया था है, इससे हुआ अंधेर। हिंदी में ट्रांसलेशन, वैसे तो गुजराती में है श्रीमद जी का लिखा हुआ, याते भया अंधेर, फेर फेर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे फेर, समर समर अब हसत हैं, समर समर स्मरण कर करके अब याद आती है, अरे रे मैं परमात्मा था, अरे मैं कहां भूल गया था, कहां पांच इंद्रिय विषयों में चला गया था, अब हंसी आती है, अच्छा खासा परमात्मा देखो तो गलती कैसी हुई अनादिकाल से, ऐसी हंसी आती है। नहीं, जैसे तुम सवाल करना जानते हो, पूरा साल भर आप सवाल करना जानते थे और एंड टाइम पर आप काम जाने क्या हुआ, तो बाद में क्या होती है, ओ माई गॉड, इतनी मोटी मिस्टेक, ये तो मेरे को आता ही था, हंसी आती है ना। ऐसे यहां समर समर फिर हंसते हैं, अब नहीं भूलेंगे फिर, आपको भूल गया था। कौन कौन को भूल गए थे? आप माने स्वयं, और किसको भूल गए थे खबर ही नहीं पड़ी। संयम के हेतु से योगों की प्रवर्तना, इसकी चर्चा कल हो गई थी। असंयम की तो बातें ही नहीं है, पापाचार की तो बातें ही नहीं है, दुराचार की तो बातें ही नहीं है। ये तो क्या कहें, जिसको थोड़ा भी आत्मकल्याण करना हो, चार गति के दुखों से छूटना हो, उसको पहली बात ये लिख लेनी चाहिए मस्तिष्क में, माइंड में, क्या कि आत्मकल्याण के मार्ग में अज्ञान और असंयम का स्थान नहीं है, दुराचरण का स्थान नहीं है, कदाचरण का स्थान नहीं है, स्वच्छता का स्थान नहीं है। चाहे वो गुरुदेव श्री के नाम पर लो, चाहे समयसार जी के नाम पर या श्रीमद जी के नाम, किसी के नाम पर भी, चाहे जैसा अनर्गल जीवन नहीं चलेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई मुझे, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात कहनी है तो सूक्ष्म थोड़ी सी, लेकिन आप अभ्यास करना। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञाधीन जो, कल इसकी चर्चा हुई थी है ना, पेट तो भरे नहीं थे। स्वरूप लक्ष्य से, स्वरूप के लक्ष्य से, मोटी पहले मोटी बात करें फिर सूक्ष्म करें, स्थूल से है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि समाज में जब प्रवचन होवे तो जाना चाहिए, बोले क्यों? देखो, अपन समाज में जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे तो परिचय बढ़ता है, कल को अपने बच्चों की शादी विवाह करना है तो वहां अच्छे लड़के मिल जाते हैं, नहीं समझे? नहीं भाई, जान पहचान बढ़ती है, परिचय बढ़ता है, अपने को कभी हार्ड हार्ड से पा जाए, आर्थिक रूप से परेशानी हो जाए तो एक मोक्षु दूसरे मोक्षु को
वात्सल्य से व्यवस्था करते हैं, कल को अपन जीवे मरे कुछ हो जावे तो समाज काम आती है। हाँ, लक्ष्य कौन सा हो गया? ये कौन सा लक्ष्य हो गया? समाज के लक्ष्य से, छोरा छोरी दीकरा दीकरी के लक्ष्य से, बिजनेस के लक्ष्य से, ख्याति के लक्ष्य से। हा हा हा, देखो एक क्या बतावे, बिल्कुल मोटी बात बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गई होगी ना बस। ये लक्ष्य से नहीं चलेगा, एक स्वरूप लक्ष्य से, एक आत्म कल्याण के लक्ष्य से। अरे रे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कल इसकी चर्चा हुई थी दृष्टांत में, व्यापार का दृष्टांत। प्रॉफिट के लक्ष्य से, जैसे सारे व्यापार की क्रिया होती है ऐसे आत्म कल्याण के लक्ष्य से ये सारा काम होता है, बराबर। अभी देखो देखो, कभी धर्म की आजीविका नहीं करना, कभी ये नहीं सोचना कि मैं प्रवचन करूंगा तो मुझे अच्छा भोजन मिलेगा। जैसे समझ लो एक दृष्टांत, आप कोई प्रवचनकार हो जाओ या जरा अच्छा छोसम हो जावे, और बाजार का आप खाते नहीं हो, और आपके पास खाने के लिए है नहीं, है भी नहीं, और बाजार का खाते नहीं। समझ लो मैं हूं, अब मेरे पास खाने पीने को भी नहीं है और बाजार का मैं खाता नहीं, और हम गए कहीं पर और हमारा सारा सामान चोरी चला गया। ध्यान से सुनना, और मुझे ऐसा भाव आया कि यहां सोनगढ़ वालों का मंदिर है कि नहीं कहीं, अरे क्यों कि वहां पर यदि मोक्ष होंगे, प्रवचन चलता होगा, तो सबसे पहले मैं प्रवचन करूंगा, और जब मैं प्रवचन करूंगा तो लोग अपने आप पूछेंगे कि क्या थी पधारे यहां, नहीं कहां से पधारे आप, क्या फिर हम बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे हैं, और फिर वो प्रेम से घर ले जाएंगे भोजन कराने के लिए। तो आचार्य देव कहते हैं, तुमने उपदेश दे करके भी अनंत पाप कर लिया, क्योंकि तुमने भोजन के लक्ष्य से प्रवचन किया। लिखा है वो आत्मानुशासन ग्रंथ में, मुनिराजों के लिए लिखा है, मुनिराजों के लिए, जो दिगंबर मुनिराज, मैं पंच महाव्रतधारी हूं, मैं सकल संयमी हूं, इसलिए समाज को मुझे भोजन देना चाहिए, और मैं भोजन लेऊं तो कोई बुरा नहीं है। किन कारणों से? मैं इतना संयम पाल रहा हूं, मैं इतना बढ़िया प्रवचन कर रहा हूं, तो समाज का कर्तव्य कि भोजन दे, और मेरा मैं ले सकता हूं। मालूम क्या लिखा है, ऐसे दिगंबर मुनिराज को आजीविका नाम का दोष लगता है। ए, उपदेश देने का पुण्य नहीं हुआ, उपदेश देने का पुण्य नहीं हुआ। हा हा हा, आजीविका कर ली, आजीविका। अनुपम भाई, क्या आजीविका में क्या नुकसान हो गया? कि तुमने केवल ज्ञान को चार रोटी में बेच दिया, तुमने अपने रत्नत्रय को, अपनी साधना को, अपनी आराधना को, अपने क्षेत्र ज्ञान को चार रोटी में बेच दिया। हा हा हा, रोटी मिले के ना मिले, अभी तो कहानी सुनाने के अवसर नहीं थे, इतने प्रकरण याद आते हैं, हैं? भैया भागचंद जी हुए, भैया भागचंद जी ईसागढ़ में, जिन्होंने महावीराष्टक लिखा है, महावीर स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे। ये हमारे एमपी में, ये भी श्वेतांबर थे भैया भागचंद जी, और कन्वर्टेड हुए, उन्होंने ये सब लिखा। उसमें एक बहुत उनके जीवन की घटना हुई, ईसागढ़ में रहते थे, पूरे गांव में इतना प्रभाव कि गुरु तरीके बिल्कुल ऐसे, बहुत प्रभाव उनका, बहुत क्षोभसम जोरदार, अच्छा प्रवचनकार, आत्मार्थी जीव, गुरुदेव श्री तो कहते थे नहीं, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे बोले गुरुदेव, ऐसा बोलते थे। क्या करें, पाप का उदय आया, आजीव का रही नहीं, जयपुर जाना पड़ा। जयपुर में गए, दो दिन से भूखे प्यासे, कुछ नहीं, पैदल पैदल जाना पड़ा, सुबह सुबह मजदूरी करने निकल पड़े, मजदूरी समझते, मजदूरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में जैन मंदिर आया, जैन मंदिर आया तो एक मन तो कह रहा है कि मजदूरी करो नहीं तो बच्चा भूखा है, एक लड़का एक लड़की भूखी है, दो दिन के परिवार भूखा है। दूसरा मन कहता है कि सुबह सुबह से भगवान का दर्शन छोड़ के मैं कहां जाऊं, तो मंदिर मिला तो भगवान का दर्शन पूजन किया, प्रवचन चलने लगा तो वहां बैठ गए। और संयोग की बात है कि प्रवचन में कोई प्रश्न आया तो वक्ता को उसका उत्तर नहीं आया, और इनको आता था तो इन्होंने धीरे से, इनको सरलता से जवाब दे दिया, जवाब दे दिया तो सब एकदम अरे उनको देखने लगी, कौन कहां से आए, क्या है,
प्रवचन हुआ तो चुपचाप उठ के जाने लगे। सबने रोक लिया, आप कहां से पधारे, आप कोई भजन सुनाओ। तो उन्होंने भजन सुनाया तो लोग पूछने लगे, तो भागचंद जी का भजन है। क्या पूछ रहे हैं ये, तो भाग कौन से पूछ रहे हैं, भागचंद जी से, ये तो भागचंद जी का भजन है, तुम्हें कहां मिले वो महापुरुष, तुम्हें कहां मिला। अब इनका सिर नीचे, अब ये मैं कहता हूं कि मैं हूं तो अब भी ये मेरी खातिर करने लगेंगे, और मैं तो आजीविका के लिए आया था, कोई प्रवचन सुनने सुनाने के लिए करने के लिए नहीं आया था। चुपचाप जाने लगे, अभी मुझे जाने दो कि नहीं 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 तुम बताओ। तब धीरे से बोले कि मैं ही हूं। अरे इतना सुन करके तो बोले आप भोजन करने चलोगे, नहीं नहीं। सबने बहुत कोशिश की कि आपको कोई आजीविका की जरूरत नहीं, आप तो यहां रहो बस। बोले अभी तक तो लक्ष्मी जी रूठी है, लक्ष्मी अभी तो लक्ष्मी रूठी है तो चलता है, जिस दिन सरस्वती रूठ जाएगी, जिनवाणी माता रूठ जाएगी, उस दिन भागचंद जिंदा नहीं रहेगा। अभी मैं क्या करूं, मेरे से जिनवाणी ना बिकाए। बोलो, सारे समाज ने उनके लिए व्यवस्था करी, भोजन करने नहीं जावे, दो चार दिन तो भोजन किसी तरह मजबूरी में किया, बाद में अपनी व्यवस्था करी। और मालूम क्या हुआ, जयपुर में रहते रहते 5-6 हजार रुपये, उस जमाने का 5-6 हजार रुपये इकट्ठा हो गया 5 साल में, तो 10 रुपये मासिक का, 15 रुपये मासिक का खर्च और 10 रुपये मासिक की पूंजी बनाई बस कुल। और बाद में जितना प्रॉफिट, जितना बिजनेस, जितना कपड़ा, जो जो सामग्री थी वो सब समाज को सौंप दी कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है। अपन लोग क्या करते, जैसे मान चलो अपने कोई ने 5 हजार रुपया दिया और 5 हजार का 25 हजार हो गया 5 साल में, तो अपन क्या करते, ये 5 हजार ले लो, ज्यादा हो तो और ब्याज ले लो, अपन क्या करते। लेकिन उन्होंने सारा बिजनेस सौंप दिया कि साधर्मी वात्सल्य का दुरुपयोग नहीं किया जाता, मेरा इतना फर्ज बनता है, मैं आजीविका करता, नौकरी करता तो 25 रुपये महीने मिलते मुझे, मैं किसी के कपड़े की दुकान पर काम करता तो 25 रुपये मासिक मिलते, 15 रुपये में खर्च चलाता, 10 रुपये में पूंजी जोड़ता, तो 10 रुपये मासिक से पूंजी जोड़ करके चले गए, बाकी सारा पैसा देके चले गए। किसको कहना धर्मात्मा, किसको कहना आत्मार्थी। गरीबी होवे तो भले होवे, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए जिनवाणी नहीं होवे। कैसी कैसी गजब बात है, यहां तो क्या बात चली थी, मुनिराज होम, मैं महाव्रत पालता हूं, संयम पालता हूं, तो मेरे आहार लेना चाहिए ना, समाज को देना चाहिए, तो आजीविका हो गई। ओ हो, अभी मैं सोच लूंगी, मैं यहां आया हूं, प्रवचन करता हूं, तो मेरे को अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, आजीविका हो गई। ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट था, इसलिए जानबूझ के अभी लिया मैंने। कभी ऐसी याद भी आवे, याद भी हम इतना करते हैं, नहीं, हा, थोड़े में बहुत समझना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए ना, राजेंद्र प्रसाद जी, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए। राजेंद्र प्रसाद जी कहता है, अपने घर के लिए पोस्ट कार्ड लिखना है तो अपने घर का पेन, कब, जब राष्ट्रपति थे तब, पोस्ट कार्ड लिखना है तो अपना पेन, और ऑफिस का काम करना है तो ऑफिस का पेन। कौन थे राजेंद्र प्रसाद जी, जैन, कौन थे, जैन नहीं थे, लेकिन इतनी न्याय नैतिकता। अब थोड़ी कहा बहुत समझना, ऐसे ही मंदिर का पैसा, मंदिर का पेन, मंदिर की सामग्री होए, अपने लिए काम में नहीं ली जाए। अपने को क्या लगता है, अभी कोई और नौकर रखते तो 5-6 हजार रुपये महीना लगता मंदिर के लिए, है ना, और हम यदि 25 रुपये की कोई सामग्री बच गई हो घर ले गए तो, कि तुम अब पूरे जीवन में कितना ही पढ़ना सुनना समझना, लेकिन अब तुम्हें आत्म कल्याण करने का रास्ता नहीं निकलेगा। कोई करता नहीं है, करता नहीं, लेकिन दृष्टांत दिया हमने, वो दृष्टांत, कभी ऐसा लगे कि एक पैसा भी इधर से ऐसा हो जावे, कल्याण का रास्ता खत्म हो गया। आजीविका हो, आजीविका ली, आजीविका के लक्ष्य से
नहीं, मैं अच्छा प्रवचनकार हो जाऊं, अच्छा शास्त्री हो जाऊं, अच्छा विद्वान हो जाऊं, तो फिर समाज में मेरी खूब केयर हो जाएगी। ए तो केयर के लिए कहीं ना कहीं क्या कहें, स्वच्छंदता के स्थान अनंत, गिरने के फिसलने के स्थान अनंत, केयर हो जावे इसके लिए नहीं। अरे रे, जगत पूछे नहीं तो चले नहीं, ऐसा निहाल भाई जी का सुनते हैं। उन्होंने बच्चों को बुलाकर एक बार कहा कलकत्ता में, बेटा यदि मैं पंगु हो जाऊं तो तुम मुझे रोटी दोगे कि नहीं दोगे? पंगु समझ गए? बेटा यदि मैं लूला हो जाऊं तो मेरे साल में दो जोड़ी कपड़ा और रोटी दोगे कि नहीं दोगे? कि पिताजी कैसी बात करते हो, कैसी बात कर रहे हो आज आप? कि बेटा आज से आत्म कल्याण का और मुझे रस बढ़ता है, आज से तुम मुझे लाल क्या लूला और पंगु समझो, लंगड़ा समझो, और मेरे तो प्रेम से दो टाइम भोजन और दो जोड़ी कपड़ा साल में दे देना, मेरे तो आत्म कल्याण करना है, दूसरा काम मुझे करना ही नहीं है। ये तड़फ, इतनी इतनी भूमिका होवे, इतनी समझ होवे तो ये पूरा अवसर समझ में आ जाता है, और नहीं तो ऐसे ही लगता है अरे पंडित जी तो बहुत ओवर इमेज की बातें करते हैं, ये कहीं चले पंचम काल में चले कहीं ऐसे? नहीं, सुनो पंचम काल में भी दुख वही है, अग्नि वही है, अग्नि की जलन वही है, जहर वही है, जहर की पीड़ा वही है, पंचम काल में भी मोह राग द्वेष की पीड़ा वही है, चार गति की पीड़ा वही है, तो क्या करें? एकमात्र स्वरूप लक्षे जिन आज्ञाधीन, जिन आज्ञा की बात और सुन लो, स्वरूप लक्ष्य की तो बात बताई अभी, जिन आज्ञा स्वरूप लक्ष्य में हालांकि बता चुके हैं पहले हैं, बहुत देखो इतनी जल्दी पाप होता, ध्यान से सुनना पाप कितनी जल्दी हो जाता है। कोई गुरु हो जावे संयोग से और उसे ऐसा भाव आ जावे कि ये मेरे शिष्य हो गए ना तो मेरे मरते समय समाधि मरण कराएंगे, ये मैं इनको खुश रखूं तो मरते समय मेरी खूब सेवा करेंगे, और यदि ये नाराज हो गए तो फिर अपने को बड़ी दिक्कत होगी, भोजन की, कपड़ा की, ए वो सेवा की, परिचर्या की, भैया वृत्ति की बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इनको राजी रखो, इनको बनाए रखो, इनकी संख्या बढ़ाओ, इन्हें खुश रखो है? अरे क्या कहें, यदि इतना सा भाव आ जाए तो साधुपना नहीं रहा, साधुपना नहीं रहा, स्वरूप लक्ष्य नहीं रहा। साधु किसको कहते हैं? साधे, आत्मा को साधे सो साधु, आत्मा को साधे ते साधु, ख्याति लाभ शिष्य साधे, समाज साधे, पैसा साधे, राग साधे, द्वेष साधे, किसान इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि शिष्यों को राजी रखें तो क्या दिक्कत है? कि शिष्यों को राजी रखे तो शिष्य के दोष नहीं निकाले जा सकते, शिष्य को कड़ो कठोर दंड नहीं दिया जा सकता, प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। यहां तो श्रुत सागर, श्रुत सागर क्या कहना, जो ज्ञान का पारा बार नहीं होवे, खूब ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी साधु, दिगंबर मुनिराज, द्वादशांक का ज्ञानी, ऐसे श्रुत सागर मुनिराज और अकंपनाचार्य उनको कड़क कहते, कड़क कि तुम जाओ, तुमने जहां पर उन लोग मंत्रियों से विवाद किया है, चर्चा की है, वहीं जाकर खड़े हो जाओ, इतना कड़क दंड। यदि अपने को राग हो जावे ना शिष्य से, प्रेम हो जावे, अरे इतना ऊंचा शिष्य, इतना मोटा शिष्य, अरे रे इसको तो सारी 700 मुनिराजों के बीचों बीच रखो, सारे श्रापकों को इन्फॉर्म कर दो, नगर में उज्जैनी नगर में खबर कर दो कि आज ऐसी ऐसी चर्चा हुई है और रात को उपसर्ग हो सकता है, जरा मोक्षु लोग, श्रावक लोग अलर्ट, थोड़ा व्यवस्था करो, आज कुछ होगा। अवधि ज्ञान में खबर है, वो अवधि ज्ञान में अकंपनाचार्य को खबर है कि श्रुत सागर मुनिराज पर चार मंत्री तलवार लेकर आएंगे, लेकिन क्या कहें, धन है वे गुरु जिन्हें शिष्य के प्रति मोह नहीं है, राजी रखने का राग नहीं है, अपने ज्ञान में सब आता है, लेकिन आप जाओ तुम्हें अपने कर्म को स्वयं काटना होगा, तुमने गलती की है उसका प्रायश्चित भुगतना होगा। जो गुरु शिष्य के प्रति नरम पड़ जावे, राग कर लेवे, मोह कर लेवे, वो शिष्य को उसके दोष नहीं निकाल सकता, उसे दंड नहीं दे सकता, उसे प्रायश्चित नहीं दे सकता, उसको कड़क अनुशासन नहीं दे सकता। हा हा हा, और वो गुरु गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, ऐसा लिखा है, मीठा मीठा बोले शिष्य को राजी रखे, वो करोड़ शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानना लिखा है ऐसा,
करोड़ों शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानना, और जो पांव से ताड़ना दे करके भी, ऐसा शब्द लिखा है बिल्कुल, लातों से पढ़ना आप, लातों से ताड़ना दे करके भी शिष्यों के दोष निकालता है, ऐसे गुरु तो अरे रे मिलना दुर्लभ है। साचा गुरु तो ऐसा है। बोलो ख्याल में आया? बस थोड़े में बहुत समझना, अभी स्वरूप लक्ष्य हो गया, हो गए हो? अब जिनाज्ञा किसको कहना, ये जिनाज्ञा में जरा बहुत माल है। देखो मैं पहले ही कहता हूं आपको कि जिनाज्ञा का पूरा अर्थ अभी तो नहीं कर पाएंगे, सुबह हालांकि चल रहा है निमित्त उपादान में, उधर से आप समझना, और पिछले साल सिद्धांत प्रवेश कर लिए उसमें जिनाज्ञा समझ लेना। मैं शॉर्ट में बताता हूं अभी, जिनाज्ञा अर्थात क्या, कि निमित्तों के अधीन वृत्ति नहीं रह रहे। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो स्वभाव के अधीन वृत्ति, स्वभाव के लक्ष्य वाली दृष्टि ना रहे। गुरु तो मिलेगा, गुरु उपकारी होगा, गुरु की महिमा आएगी, गुरु की बहुत महिमा आएगी, भक्ति आएगी, लेकिन दृष्टि में किंचित मात्र भी गुरु पर अधीन नहीं होना, इसका नाम जिनाज्ञा। जिनाज्ञा ओ जिनाज्ञा, भक्ति नहीं हो उसके प्रति, अर्पणता नहीं हो बे तो भी नहीं चले, और अर्पणता ही बनी रह बे उसके अधीन दृष्टि हो जाबे, आत्मा का लक्ष्य नहीं हो बे तो भी नहीं बने। नहीं बहुत सरल है, कठिन कुछ नहीं है। शादी हो बे तो 10,000 का बाजा भी बजे, और 10,000 के बाजा से बिल्कुल शादी भी नहीं हुए। नहीं समझ में आया? कितने हजार का बाजा बजता है आजकल? अभी हमने सुना 1-1, 2-2 लाख रुपया तो पांडाल का ही लग जाता है आजकल, है ना? ऐसे और लगता होगा, ज्यादा भी लगता होगा, मालूम नहीं आपके यहां, है ना? तो 5 लाख का पांडाल के बिना भी ना चले, और पांडाल से शादी कितने परसेंट होती है कि नहीं होती है? लेकिन दोनों ही चाहिए, है ना? दोनों ही चाहिए ना? ऐसे यहां पर आत्मा का लक्ष्य भी चाहिए, बाहर में देश सास गुरु का निमित्त भी हो, लेकिन उनके प्रति यथा योग्य विनय भी हो, लेकिन उस विनय से किंचित मात्र भी कल्याण नहीं होता, ये जिनाज्ञा। ये भगवान क्या कहते हैं आप, यथा योग्य विनय भी हो और विनय से 1% भी काम नहीं होता, ये नहीं समझ में आता। ये तो सुबह वालों को समझ में आ जाएगा, सुबह वालों को चल रहा है ना निमित्त उपादान, अभी तो और चलेगा, चिंता नहीं करना। लेकिन जिनाज्ञा किसको कहना, निमित्त में अटकना नहीं, नहीं हा, निमित्त में अटकना नहीं, राग में अटकना नहीं। यथा योग्य कमजोरी में राग तो आता है, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम और मुनि दशा का भाव तो आता है, लेकिन अटकना नहीं। क्या कहते हैं, संवर निद्रा और मोक्ष का भाव भी, ए अब तो ठीक है, संवर निद्रा मोक्ष की, संवर निद्रा मोक्ष का भाव भी आता तो है, लेकिन अटकना नहीं। अटकना जिनाज्ञा नहीं है। क्या कहा, देवसास गुरु तो परद्रव की परिणति है, पवित्र परिणति है, शुद्ध परिणति है, अनंत भगवान की शुद्ध परिणति, केवल ज्ञान आदि अनंत सुख। बढ़िया है कि बुरी है, महिमाशाली है कि नहीं है, है। लेकिन अब लेकिन यहां तो वो परद्रव की परिणति है, अपनी परिणति में भी यदि संवर निद्रा शुद्धोपयोग केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट जावे, तो परद्रव की बात तो छोड़ो, अपनी परिणति में भी नहीं अटकना, इसका नाम जिनाज्ञा है। अब तो समझ गए होंगे, अभ्यासी लोगों को कोई बताने की दरकार नहीं होनी चाहिए। आ हा हा, एक समय की पर्याय में भी नहीं अटके, ऐसी इसका नाम जिनाज्ञा। शरीर में अटक जावे वो तो बहुत दूर गया, क्रियाकांड में अटक जावे वो तो बहुत दूर गया, बहुत दूर दूर। सब आप कैसे बोल रहे हो ऐसी बात, कि देखो अच्छी चीज हो तो घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, अच्छी चीज घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ना। अभी देखो अपन इन्हीं से पूछते हैं क्या कह रहे हैं, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, वही बात ले। हम क्या करें बताओ, पूछो आप, पूछो इनको। ये कह रहे हैं तेपन माने कौन सी, जो संयम ना हेतु, जो संयम के हेतु से, संयम संयम के लिए जो योग की प्रवर्तना थी, हे प्रभो आहा, ये जिनाज्ञा कि प्रभो आपकी पूजा बढ़ती ना जाए, बढ़ती नहीं जाए। ते पण क्षण क्षण, एक आध एक दिन में, वीकली 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 घटे, क्यों
टेम्परेचर कब करना डाउन, क्या बोलते हैं 105 टेम्परेचर हो जाए तो डाउन कब करना, कि एक सप्ताह में एक डिग्री, क्यों क्या बोलते हैं एक डिग्री क्या बोलते हैं एक कम, एक सप्ताह में वीकली 1 डिग्री कम करना है, कि क्षण 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 घटती जावे घटती जावे घटती जावे, क्यों पकड़ में आए पॉइंट समझ में आया। तेपन, तेपन माने कौन सी, कि वो भी, कौन सी वो भी, कि जो संयम के हेतु से योगों की प्रवृत्ति थी वो भी तेपन क्षण क्षण वीकली एनुअल मंथली, यहां गजब है, हा हा क्षण क्षण घटने वाला समझ में आया। कदाचित कोई व्यक्ति हो पहली बार गुरु की देशना सुनी हो और गुरु की देशना मस्त हुआ हो, प्रफुल्लित हुआ हो, प्रभु आपने मेरा बहुत उपकार किया, और ऐसा जो शुरू हुआ वो भी घटते 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 वापस अंदर गया और केवल ज्ञान ले ले, इसका नाम तेपन घटती जाती। आ हा हा, मंदिर में अपन ए कोई अन्यथा नहीं लेना, अभी जिनकी पूजा ही नहीं है उनकी घटे क्या, क्या घटा ही क्या नहीं। अब कोई ऐसा, ऐसे कोई कह सकता है कि जब शुभ भाव घटाना ही है और शुभ क्रिया घटाना ही है तो शुरू ही मत करो, जब ये तर्क आप कर सकते हो, एक उतर्क आप कर सकते हो कि जब अपने को क्यों, जब घटाना ही है ना आखिर तो बढ़ाओ ही मत। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आप ही से पूछता हूं, क्यों बीमार हो जाओ तो दवाई बंद करना है कि नहीं करना है, अब बोलो बीमार हो जाओ तो दवाई बंद करना कि नहीं करना, दिनेश भाई करना कि नहीं, अरे बंद करना तो फिर शुरू ही मत करो, न्याय समझ। अच्छा नहीं आई, अब मैं फिर से समझाता हूं, अपने को समझ लो कि टाइफाइड हो गया, टाइफाइड तो समझते हैं, टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड की दवाई खाओगे कि नहीं खाओगे, तो फिर अब तुम टाइफाइड की सही दवाई मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, हे भगवान महाभाग्य हो गया मेरा, अब तो जीवन भर यही खाना है, तो फिर क्या क्या सोचते हो, क्या सोचते हो उस समय, उस समय क्या सोचते हो कि डॉक्टर साहब कितने दिन की खुराक लेनी पड़ेगी, कि कितने दिन की दे दें, कि कम से कम डोज, कम से कम दिन में, यही चाहते हो ना। मान चलो वो कहेगी बोलो साहब 7 दिन की दूंगी 1 महीने की, तो आप क्या बोलोगे, अरे 7 की दे दो साहब, कि और कम में ठीक हो जाए तो, अरे इससे बढ़िया और क्या होगा। देखो दृष्टि में ध्यान से सुनना, बीमार हैं तो दवाई खाना कंपलसरी, लेकिन दवाई लेते ही समय, डॉक्टर को दिखाते ही समय अंदर में भावना क्या चलती है, तेपन क्षण क्षण घटती जाती स्थित, समझ गए होगे अब तो। नहीं पंडित जी, पुण्य की दवाई खाने की क्या जरूरत है जब कम करना है तो क्यों, सदाचरण की और शुभ भाव की दवाई लेने की क्या जरूरत है जब खत्म करना है तो, कि नहीं तुम बीमार हो ना, यदि तुम पाप में नहीं जाते हो तो हम पुण्य करने को नहीं कहेंगे, हालांकि करने को तो अभी भी नहीं कहते हैं, लेकिन जो जीवों को पाप भाव होता है और पाप से वो धर्म की ओर आते हैं तो बीच में ऑटोमेटिक शुभ आ जाता है। आ क्या कहा, क्या कहा जिमी, क्या कहा, आ ए लाते करते नहीं, जो पाप में होवे और धर्म में आवे शुद्धोपयोग में आवे तो शुभ भाव तो ऑटोमेटिक आ, इतना तो समझ आ गई। अरे अपने को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, अपने को जो शुभ भाव आखिर तो है ना, ये तो है ना, ये तो है तो उसे है जिसके पास है। अब है ही नहीं तो है काहे का, क्यों रोटी खाते ना, रोटी भोजन करते हैं तो भोजन करना धीरे धीरे कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, फिर बाद में तो खत्म ही हो जाता है, तो जब भोजन बाद में रोकना ही है 1 घंटे बाद, आधा घंटा कितनी देर में कर लेते भोजन, आधा घंटा 10 मिनट में कर लेते, चलो कोई बात, तो 10 मिनट बाद आके तो फुल स्टॉप होता ही ना, फुल स्टॉप, तो जब 10 मिनट बाद खत्म करना है तो आप खाते क्या के लिए हो, कुतर्क तो बहुत जल्दी कर लेते हो। भाई ये भगवंतों का मार्ग है, सर्व भगवान की देशना है, भगवान ने देखा है ऐसा, ये नैसर्गिक है, ऐसा हो ही नहीं सके। आज लोगों को बहुत स्वच्छता है, बहुत स्वच्छता,
कहीं खावे कैसे ही खावे, चाय जैसे बोले, चाय जैसे चले, चाय जहां सो जावे, कोई ठिकाना नहीं पड़े। लेकिन चर्चा तो मेमोरी में फीड हो गई ना, माइंड में, बस उसकी चर्चा करा लो आप। और उसमें जब कोई बात हो गई, क्यों आप आचरण में कैसे रहते हो अभी तक, आप तो गुरुदेव श्री के इतना जूना शिष्य हो, इतने पुराने शिष्य हो, आप लोगों को तो थोड़ा विवेक होना चाहिए। अरे आप समझते नहीं, गुरुदेव श्री ने तो हमारे ये बोला कि अत्यंत भाव छे, जड़ छे। अरे तो, लेकिन फिर गुरुदेव श्री क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था, कि उनका जीवन तो हो पवित्र थे, तो वे पवित्र थे तो तुम वे भगवान आत्मा, तो तुम भगवान आत्मा नहीं थे। लास्ट ईयर ये बात कही थी हमने कि हम सिद्ध के भगवान के समान तो अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री के समानता क्या गुरुदेव श्री के समान नहीं है बन, कि हम गुरुदेव श्री नहीं है। अरे गुरुदेव श्री नहीं है लेकिन आत्मा तो, मैं सिद्ध के समान सुनना सरल और गुरुदेव श्री के समान सुनना बड़ा कठिन है। हम फिर कहते हैं आप इशारे में समझ लेना, जिनाज्ञा क्या है, जिनाज्ञा एक है कि अशुभ भाव की तो बात ही नहीं, पाप भाव की तो बात ही नहीं, अज्ञान असंयम की तो बात ही नहीं, लेकिन अरे रे जो प्रवचन देने का भाव आता है, गुरुदेव श्री ने तो ऐसा लिया। दिगंबर मुनिराज होवे छठा गुणस्थान में शुभ भाव आता है तो 28 मूल गुण का आता है और वो 28 मूल गुण भी घटती जाती स्थिति में घटता जावे। मैं तो आत्मस्वरूप में थिर हूं तो मेरे 28 का भी भाव परिणाम शुभ भाव घटता जावे। क्या चाहेंगे बोलो, यही चाहेंगे आहार लेता रहूं, यही चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे। शिष्यों को उपदेश देते हैं, भाव ऐसा है कि ये उपदेश देने का भाव भी घटती जाती स्थिति में, समझाए। शास्त्र लिखने का भाव आता है, दिगंबर मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव आता है, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति। अब तो समझ में आ गया, आहा, यह जिना क्या, यहां शुभ भाव भी घटाने के लिए नहीं, अपने लोगों को तो इसलिए समझ में नहीं आता कि पंडित जी पहले अशुभ घटाएं कि शुभ घटाएं, ये बात बराबर है, पहले अशुभ घटाओ बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कहें तो अशुभ घटाओ, लेकिन सुनो अशुभ घटाने से नहीं घटता, अशुभ घटाने से नहीं घटता, शुद्धात्मा का ज्ञान होने पर शुद्धात्मा के संबंध में जो विचार है वो शुभ भाव, और ये शुभ भाव ऑटोमेटिक आत्मा का विचार है ना, आत्मा का विचार शुभ भाव, तो ये आत्मा का विचार बढ़ता जाता है, शुभ भाव बढ़ गया, और इधर अशुभ भाव अशुभ विचार घट जाता है, और बाद में शुद्धात्मा का वलन होने से शुद्ध भाव बढ़ता है, अशुभ भाव तो गया ही था, शुभ भाव पण घट जाता है, शुभ भाव भी घट जाता है। समझाया, फिर से बोलूं, फिर से, पहले तो आत्मा का विचार करते हैं तो शुभ भाव, आत्मा का विचार करने में खोटा विचार कम हो गया तो पाप भाव घट गया, पंच परमेश्वरी का विचार भक्ति करते करते उपकार है जिनवाणी का, ऐसे आत्मा का विचार करने से क्या हुआ, शुभ भाव, तो अशुभ भाव घट गया, बराबर। अभी देखो, लेकिन जब शुद्धात्मा की तरफ उपयोग बलन करने लगा, शुद्धात्मा में रमने लगा, आत्मा का अनुभव करने लगा, तो शुभ भाव घटने लगा। दिगंबर मुनिराज देख देख करके चलने का भाव नहीं घटाते, चलने का भाव घटाते। क्या बोला, पकड़ में आई कुछ बात, कि अब मैं बहुत देख देख के चल लिया, अब तो चाय जैसे चलो, शुभ भाव घटाना है ना अपने को, ऐसा नहीं बोला कि देख देख के चल करके जो जीवों की हिंसा रोकते थे बचाते थे वो घटाते नहीं है, चलने का भाव घटाते हैं, चलने का भाव घटाते हैं। समझ आया, हा, देखो इनकम टैक्स से बचने के दो उपाय हैं एक उपाय तो यह है जो आपको मालूम है, उल्टा सीधा एक तो यह है कि हे भगवान इनकम टैक्स नहीं देना पड़े, कैसे भी बचें, एक तरीका तो यह है, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, ये मिथ्या दृष्टि का उपाय है। सम्यक दृष्टि का उपाय है कि इनकम टैक्स से बचने का उपाय, पंडित जी आप बताओ, हम बता रहे हैं, इनकम कम करो बस, व्यापार कम, आपत कम, संकलेश कम, आकुलता कम, क्या गजब, एक इनकम टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बहुत
सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक साथ साथ मिथ्यात की प्रॉब्लम भी सॉल्व और रत्नत्रय हो जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा। इतना बढ़िया शॉर्टकट बताते हैं आपको ऑल इन वन नहीं पंडित जी, हमारे पास पैसा तो बहुत है और इब्राहिम का फोन आता है दाऊद का, उससे बचने का कोई उपाय बताओ, कोई तंत्र मंत्र नहीं कि है उससे बचने का एक तंत्र मंत्र वो तंत्र मंत्र ये है कि तुम इनकम घटाओ, आकुलता नहीं करो, पाप नहीं करो। देखो पाप करके पैसा आएगा तो पाप दे के ही जाएगा, नहीं समझ आई? पाप करके पैसा आता है ना, कितना संकलेश 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 आकुलता आकुलता, तो जाएगा तो या तो बीमार करके जाएगा तो दुख दे के जाएगा नहीं, और या चोरी से चला जाएगा नहीं तो इनकम टैक्स वाले जबरदस्ती रेड मारेंगे। और फिर नहीं बचा कोई तो एक तो है जिनके नाम अभियान बताए थे, नहीं क्या करे भाई? अब थोड़े में समझना, ये मैं दृष्टांत दिया था, ये तो दृष्टांत इनकम टैक्स से बचने का उपाय, ये तो दृष्टांत था। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज, अरे रे मेरे चलने से हिंसा होती है तो हिंसा कैसे बचाऊं कि देख देख के चलूं, ये नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते कि चलना ही ना पड़े। फर्क समझ में आया कुछ? चलेंगे तो देख के ही चलेंगे, आधा निक्षेपण करेंगे, पीछे कमंडल उठाएंगे रखेंगे तो देख करके ही करेंगे, लेकिन अंदर में भावना ये है कि उठाने रखने का विकल्प नहीं आवे, आहार लेने का विकल्प नहीं आवे, चलने फिरने का विकल्प नहीं आवे, सांस लेने का विकल्प नहीं आवे, ये भी नास्ती हुआ नास्ती। आत्मा स्थिरता, बस जी 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 पॉजिटिव में अस्थि में पहले नंबर अस्थि, आत्मा में स्थिरता होए इसके बाद मुझे कहीं आने जाने का विकल्प नहीं हो। समझ में आया? क्यों क्रिकेट मैच कैसा लगता है विनय? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बस घबराओ मत, देखो क्रिकेट मैच अच्छा लगता है ना, और समझ लो भारत और उसका मैच फाइनल फाइनल आज ही। अब उस दिन तुमको क्या लगता है बोलो कि पापा जी फैक्ट्री जाने की ना बोले, कोई कॉलेज स्कूल जाने की ना बोले, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं? ऐसे ही ज्ञानी मुनिराज होते हैं, कोई हमें प्रवृत्ति की ना बोले आज तो हम आत्मा में रमेंगे, आत्मा में रमेंगे, हमें तो बाहर की कोई प्रवृत्ति को उठना ना पड़े। गुरुदेव श्री की भाषा में बोले, गुरुदेव श्री ऐसा दृष्टांत देते थे, छठा गुणस्थान में शास्त्र लिखने का परिणाम मुनिराज को ऐसा लगता है कि सातवें गुणस्थान शुद्धोपयोग की भूमि में से निकालकर जैसे कोई टाटा की भट्टी में झोंक देता हो। ऐसे दृष्टांत देते, छठा गुणस्थान कैसा लगता है, छठा गुणस्थान कैसा लगता है ज्ञानी मुनिराजों को? जैसे कोई क्या कहें एयर कंडीशन कमरा में से निकाल के, और टाटा की भट्टी सुनी नहीं, जहां लोहा हुए ना ऐसे मोटा मोटा लोहे का पिंड, और ऐसे आग से लाल सुर्ख पानी हो जावे, पानी ऐसे पानी, ऐसे कोई भट्टी में झोंकता हो ऐसे, अरे रे सातवें गुणस्थान से उतर कर छठे गुणस्थान में ऐसा। इसलिए इसलिए लिखा है, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति, क्षण क्षण हो बिकली नहीं, क्षण क्षण ठीक है। अब एक सेकंड का दृष्टांत दे, जल्दी आगे बढ़ेंगे, अब मेरे को बहुत लॉन्ग टर्म बोलने की आदत है, असल में शॉर्ट में बोल पाते ही नहीं हम, लेकिन दृष्टांतों से जल्दी क्लियर होगा। हाँ भैया, अपन किसी के यहां भोजन के लिए बुलाए जाएं, भोजन के लिए बुलाए जावे, अपन वहां जावे तो भोजन उसी के यहां करना है तो उसकी बुराई करना कि नहीं करना? कैसा आदमी है, कितनी देर लगा दी, अभी तक भोजन नहीं आया, ऐसे बुराई करना कि नहीं करना? कि भोजन उसके यहां करना है तो अशुभ भाव तो नहीं करना, चलो ठीक है, खोटा भाव तो नहीं करना, गाली तो नहीं देना, क्रिटिसाइज तो नहीं करना। हाँ अब क्या करना, क्या प्रशंसा करना, अरे आप बहुत बढ़िया सज्जन आदमी हो, आप जैसे लोगों ने हमें बुलाया, बड़ा एहसान किया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हाँ कब तक करना ये? तो अशुभ भाव तो करना ही नहीं लेकिन शुभ भाव प्रशंसा का भाव भी अपन तो ऐसा कब आ रहा है, कब आ रहा है? हाँ भे प्रशंसा कब तक करें? ऐसे ही क्या कहें भाई, जिन भगवंतों के मार्ग में चलना है, जिन महत्पुरुष के पंथ में चलना है, उसकी निंदा तो कभी धर्मात्मा करते नहीं लेकिन प्रशंसा भी करते नहीं रहते। क्या क्या कहा, क्या कहा?
और प्रशंसा भी करते नहीं रहते मात्र हो क्या चाहते हैं ते पण क्षण क्षण घटती जाती। वो तो घटे हैं तो फिर बड़े क्या कि आत्मस्थिरता आत्मस्थिरता समझ में आया। देखो आ गया इसी में लिखा अंते थाए निज स्वरूप मालीन। अंत में क्या चाहिए देखो मैं क्या बताऊं मेरे जो पेट में मेरे जो भाव समझ में आता है ना इस छंद का वो कहने में तो आता नहीं है। अभी आपको इतना डिटेल आ गया पांच छंद हो गए ना तो आप खुद ही पूछो इन द एंड व्हाट डू यू वांट टू से आखिर आप शॉर्ट में बताइए सबसे आखिरी में आप क्या कहना चाहते हो। क्या आपने बिल्कुल सब तो कह दिया ये छोड़ो ये असंयम ये छोड़ दो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है शुभ भाव की वो भी घटती जाए आखिर आप कहना क्या चाहते हो कि हम तो ये कह रहे चाहे गुजराती में क्या बोलेंगे अंते थाए हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इन द एंड नहीं इन द एंड बोलेंगे ना इन द एंड अंत में सारांश में हम इतना चाहते हैं क्या चाहते हैं अंते थाए निज स्वरूप मालीन। अब तो समझ में आ गया होगा चलें आगे अगला छंद में चलें चलो अब अगला छंद अपूर्व अब शरेबो प्यारे आवश्य ऐसा दिन कब आएगा दिन नहीं ऐसी परिणति कब आएगी। अब अगला छंद पंच विषय माराग द्वेष विरहित पंच प्रमादे नमड़े मन नो छोभ द्रव्य क्षेत्र ने कार्ण भाव प्रतिबंध बन विचर उदयादीन पण बीत लो बजो क्या कहें। एक श्रीमद जी ने एक बात कही है ना गुरुदेव श्री भी फरमाते थे कि शास्त्र में तो शब्द होते हैं मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है ऐसे समस्त शास्त्रों का सार एक ज्ञानी के हृदय में होता है। देखो अभी जो ये लिखा है ना पंच विषय में राग देश विरहितता है ना इसके लिए 31-32 नंबर की गाथा पढ़े बिना समझ में नहीं आएगी और उस गाथा को चलाने के लिए कम से कम 2-5 दिन तो चाहिए कम से कम हो नहीं। अब हम तो यहां शॉर्ट में बात करेंगे क्या करें हम तो इसलिए इशारा कर देते हैं कि आप वो गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे भी हैं और कैसेट में भी हैं सीडी में भी हैं आप सुन लेना पढ़ लेना क्या कहना भाई सारा जगत पंच विषय ने पहले पंच विषय का अर्थ करें पंच विषय माने पांच इंद्रियों के विषय। अब इंद्री की गाथा आ गई ना इंद्रियों की जो इंद्रिय जिणिता नान सहा बाधियम मुणदी आदम आहा हा। अब तुम कठिन नहीं करेंगे सरल करेंगे हो सरलता का समय है। पंच विषय माने पांच इंद्रियों के विषय लेकिन इंद्रिय किसको कहना ये बात केवल क्या कहें आचार्य कुन देव की वाणी में मिलती है ना अन्यथा कहीं सुनने ना मिले देखने ना मिले देखने सुनने नहीं मिले हो। सारा जगत इंद्रियों को जीतने के नाम पर आंख फोड़ लेता है आंख बंद कर लेता है लेकिन जैन दर्शन में आंख बंद नहीं कराती क्योंकि इस आंख को तो निमित्त कहकर के आरोप डाला है बस समझ गए निमित्त कहकर आरोप डाला है सुबह इसका क्लियर करेंगे अपन निमित्त से तो काम होता ही नहीं आंख के निमित्त से तो काम होता ही नहीं और आंख बंद करने से काम सुधरता भी नहीं है। पहले मैं दृष्टांत दूं नए लोगों को समझ में तब आएगा। सूरदास जी का नाम सुना है सूरदास जी ने एक बार एक स्त्री का दर्शन कर लिया वैसे तो वो कृष्ण का दर्शन करते थे लेकिन एक बार एक स्त्री का दर्शन कर लिया तो
तो वो जब भजन करने बैठे कृष्ण का, तो वो स्त्री स्त्री दिखाई दे रही, बस स्त्री स्त्री। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा बेकार हो गया, एक बार स्त्री देखी तो इतनी आफत आई है, ये तो बड़ी आफत है। तो उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, ना स्त्री दिखेगी और ना मेरा मन चंचल होगा। एक सूरदासी का दृष्टांत है, वो ऐसी सूरदासी एक नहीं है, अभी तो आखा विश्व है। एक भगवंतों के मार्ग को समझे बिना सबकी बात है। हम अपने परिणाम सुधारने के लिए आंख बंद करते हैं, निमित्तों से छूटते हैं, निमित्तों से दूर हो जाते हैं, मात्र इतना ही करते हैं तो सूरदास बनने जैसी बात है। सुनो, जैन दर्शन ने मात्र संयोग से नहीं छुड़ाया, निमित्तों से नहीं छुड़ाया, आंख से ही नहीं छुड़ाया। यहां तो ये कहते हैं आंख तीन प्रकार की, आंख एक नहीं, आंख ये तो पुद्गल की एक आंख, लेकिन समय सार जी में तो आंख तीन प्रकार की। और जो इंद्रिय जीतता, माने जो इंद्रियों को जीतता है, आंख को जीतता है, तो आंख जीतने में कौन कौन सी जीतता है? अभी टाइम तो हो रहा है, कल ही शुरू करना पड़ेगी। हा हा हा, एक तो ये जड़ इंद्री, इसका नाम द्रव्य इंद्री, द्रव्य आंख, द्रव्य इंद्री है ना, क्या नाम बताया इसका? द्रव्य इंद्री, पुद्गल की आंख है ना, शरीर की, ये द्रव्य इंद्री। और इसके अंदर आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान क्षोभसम। ये भावेंद्री, ये भावेंद्री, दो दो गए, द्रव्येंद्री भावेंद्री। द्रव्येंद्री में क्या हुई जुगल? ये आंख, ये पुद्गल की आंख, इसका नाम क्या हुआ? द्रव्येंद्री। और भावेंद्री में क्या हुआ? इसके पीछे काम करने वाला ज्ञान। तो दो को जीतना, और तीसरा इंद्री का विषय, इंद्री का विषय, इंद्री का विषय माने आंख से टेलीविजन देखना, ये विषय, रसगुल्ला देखना, ये विषय। तो तीन आंख हो, तीन आंख, यहां रसगुल्ला को भी आंख कहा, यहां टेलीविजन को भी आंख कहा, यहां इतनी पब्लिक को ये भी आंख है। अब नहीं समझ में आई होगी, हम मालूम है क्या बताएंगे, समझाएंगे धीरे धीरे समझाएंगे, चिंता नहीं कर, ये सबसे मर्म की बात है। आहा, देखो एक दृष्टांत दूं तो समझ लेना, आप नहीं समझो तो कल समझाएंगे, अभी तो वैसे टाइम हो गया है। देखो दिगंबर मुनिराज, उनका मन पवित्र है और वे फिर भी महावीर भगवान की ओर देखते रहे समो शरण में, तो उन्हें केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मन तो पूरा पवित्र है, माने अंदर का ज्ञान तो पूरा पवित्र है, और आंख में भी कोई मोह राग देश भगवान को देख करके कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान को देखने मात्र का जो राग है, तो भगवान काय से, वो मुनिराज काय से हार गए? आंख से। हम पूछते हैं भगवान महावीर स्वामी को देखने की भी क्या जरूरत है? आप आत्मा में देखो ना, यदि वो आत्मा में देखते रहे तो केवल ज्ञान होता है, और महावीर भगवान को देखते रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान पवित्र और आंख में भी कुछ, ये तो पुद्गल, इसमें तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन पर का लक्ष्य करने वाला, पर का लक्ष्य, पर का लक्ष्य, उसको भी केवल ज्ञान नहीं होगा। फिर से सुनो, आत्मा का ज्ञान पवित्र, इधर भी पवित्र, इसमें तो कोई पाप होता नहीं, लेकिन पर का लक्ष्य करने वाला भी आंख से हार गया। इसलिए आंख को जीतना माने इंद्रियों के विषय को भी जीतना, इंद्री को भी जीतना, और अंदर में ज्ञान आत्मा में संतुष्ट होना, तो भावेंद्री को भी जीतना। तीन चीजें एक साथ जीतने का नाम चक्षु इंद्री की विजय। अब मैं आपको इतना अनुरोध करूंगा कि आपको कठिन तो होगा, मुझे मालूम है, ये तो अच्छे अच्छे अभ्यासियों को भी थोड़ा कठिन पड़ता है, कल हम सरल करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण जगह है ना, कम से कम उन छंदों पर तो अच्छी सी चर्चा हो जाए, है ना। मैं आपसे पूछता हूं कि देखो, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, तो रात्रि भोजन में मुख में भोजन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो ये हुआ द्रव्य इंद्री, ये क्या हो गई? द्रव्य इंद्री, मुख में भोजन नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन मन में रात्रि में याद तो करना चाहिए ज्ञान में। अरे भोजन, अरे क्या बताएं, क्यों? तो हमने फिर रात्रि भोजन का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो भावेंद्री को भी जीतना जरूरी है, ज्ञान में भी जीतना जरूरी और इधर भी जीतना जरूरी। अच्छा, लेकिन अब दो काम तो सही हैं, लेकिन क्यों? मैं मुंह में भी नहीं डालूं और मन में भी नहीं सोचूं,
लेकिन आप हमारे घर में आओ, अभी जहां ठहरे ना टावर पे आओ, और उस समय मैं रात को गैस पे कोई काम कर रहा हूं, बना रहा हूं कोई काम, तो तुम्हें कैसा लगेगा बेबी? हाँ हाँ बोलो बोलो जरा, आपको कैसा लगेगा? आपको क्या लगेगा? माने विषय भी नहीं होने चाहिए, तीनों छूटे तो रात्रि भोजन का त्याग। पकड़ में आया? अब तो समझ गए मेरे ख्याल से, मैंने बहुत शॉर्टकट बताया एकदम, और कहो तो एक दृष्टांत और दे दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दे दे। देखो सरल पड़ता है ना, इसलिए दृष्टांत देने से जल्दी सरल पड़ता है। एक साथ तीन चीजें जीतो तो पांच इंद्रियों का विषय जीता, एक साथ तीन चीजें जीतना पड़े, एक चीज अकेले से काम नहीं चलेगा, आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। अभी आप में से बहुत लोग कहते हैं पंडित जी मैं कभी भूल करके भी नहीं देखता हूं, लेकिन पता नहीं परिणाम क्यों खराब हो जाते हैं। आप ऐसे कई लोग होंगे आप में से कि पंडित जी हम बिल्कुल सच कहते हैं, सड़क पर चलते हैं तो नीचे देख के चलते हैं, मंदिर में ऐसे बैठते हैं, लेकिन परिणाम हमारा नहीं सुधरता, माने हमारा ज्ञान में सुधार नहीं होता और आखिरकार वो चंचलता बनी रहती। दृष्टांत है ना, बोलो मैं ब्रह्मचारी, दृष्टांत हो मैं ब्रह्मचारी, तो मेरे देह से तो विवाह होगा ही नहीं और देह से किसी बहन का स्पर्श भी नहीं होगा, ये द्रव्य ब्रह्मचर्य, द्रव्य हो गया ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब कोई बोले कि नहीं मैं तो मन से पवित्र हूं, शरीर से क्या होता है? शरीर तो पुद्गल है, जड़ है, भिन्न है, तो वो पापी है कि नहीं है? पापी है, शरीर से भी होना चाहिए द्रव्य ब्रह्मचर्य, और अंदर में भाव से। बोलो आपको मालूम पड़ जाए कि अंदर अंदर स्त्रियों का ही विचार करते हैं, खोटा खोटा विचार करते हैं, फिल्मों का विचार करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा ब्रह्मचारी के बारे में? ये तो बड़ा खोटा है, तो अंदर ज्ञान में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई ये दावा करे कि मेरे ज्ञान में भी नहीं है और शरीर से भी कोई बहन का स्पर्श और देखना आदि नहीं है, लेकिन मुझे ये जो पोस्टर है ना, पोस्टर फिल्मों की, ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको कलेक्शन करता हूं, मैं उसका जिनवाणी के ऊपर कवर चढ़ाता हूं, काहे के वो फिल्मी पोस्टर के। हाँ बोलो, हमारी हमारी जिनवाणी के ऊपर समाचार पत्र में कोई हीरोइन का फोटो हो और वो जिनवाणी पे चढ़ा हो कवर, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसका मतलब तीन चीजें जीतना पड़ेंगी आपको, वे विषय भी ना हो, अंदर में ज्ञान में भी ना हो, और इधर शरीर से भी उसकी परिणति साफ होनी चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से तीन चार दृष्टांतों में क्लियर हो गए, द्रव्येंद्री, भावेंद्री और उनके इंद्रियों के विषय, ये तीन चीजें जीते हैं तो जैन दर्शन में जीता हुआ कहते हैं। कोहरा स्त्री पुत्रादि छोड़ देने का नाम जीतना नहीं है, कोहरा जंगल में चले जाने का नाम जीतना नहीं है। लोगों को लगता है इसमें क्या है, हम तो ये कपड़ा छोड़ देंगे, ये चले जाएंगे जंगल में, जंगल में सो जाएंगे, कि सो तो जाओगे, सो तो द्रव, अंदर की तो बोलो। आलू छोड़ना बहुत सरल है, लेकिन आलू के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन नहीं, दृष्टांत हो, दृष्टांत है। अब थोड़े टाइम में बहुत समझ गए होगे कि और आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी कल समझा देंगे, नहीं समझ में आए तो कल और समझाएंगे, लेकिन तीनों बहुत ख्याल करने लायक बात है, द्रवेंद्रिय, भावेंद्री और उन इंद्रियों के विषय, याद रहेंगे, रह जाएंगे, शाबाश। कठिन तो नहीं लग रहा किसी को जी? रात्रि भोजन छोड़ो तो अंदर में से विकल्प भी जावे और फिर वो परिणति भी जावे, वो काम भी जावे, तो हम कहेंगे रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग है। आहा, ऐसे हर चीज में लगाना, हर चीज में। अभी तो आगे आने वाला है पंच प्रमाद, अभी तो बहुत, और मैं क्या होता हूं, इतना इतना गरिष्ठ लिख के चले गए, हम करें क्या? करें क्या होता, हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं, हम बहुत सोचते जल्दी जल्दी आगे बढ़े लेकिन नहीं जा सकते। ओम नमः शिवाय।